स्टूडेंट प्रॉपर्टी 9 बूल्स इन इक्वालिटी स्टेटमेंट है फॉर एनी एन इवेंट्स A1, A2, सो ऑन AN वी हैव फर्स्ट है P इंटरसेक्शन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू N AI ग्रेटर देन एंड इक्वल टू P AI माइनस N माइनस 1 सेकेंड है P यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू N AI लेस देन एंड इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 टू N P AI तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी कंडीशन है इसको हम प्रूव करेंगे उसके बाद में ये करेंगे ओके सो स्टूडेंट इसका प्रूफ है हमारा हमने करना है फॉर एनी टू इवेंट्स ओके A1 एंड A2 P A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू P A1 प्लस P A2 माइनस P A1 इंटरसेक्शन A2 फॉर एनी टू इवेंट्स हमने सबसे पहले टू इवेंट्स लिए हमें जो गिवन है वो n नंबर्स ऑफ इवेंट्स गिवन है लेकिन हमने सबसे पहले टू इवेंट्स लिए इससे हमने ये फॉर्मूला बनाया यूनियन का अब जो ये माइनस वाला पोर्शन है PA1 इंटरसेक्शन A2 ये हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और ये PA1 यूनियन A2 वाला पोर्शन है ये इक्वल के राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा जब हम इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का तो ये बन जाएगा प्लस का PA1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो ये तो एज इट इज रहेंगे PA1 प्लस PA2 ये यहां पर पॉजिटिव है इक्वल के उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस PA1 यूनियन A2 से इक्वेशन नंबर 1 नाउ स्टूडेंट बाय एक्सियम 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने क्या पढ़ा है कि PA इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1 तो हमने जो ये वाला पोर्शन है हमारा इतना ये हमने पिक करना है यहां पर तो हमारा क्या बन जाएगा PA लेस देन एंड इक्वल टू 1 इसको हम और कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं हम बोथ साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम बोथ साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा ये क्या बन जाएगा अभी ये लेस देन है इसका साइन कन्वर्ट होके ग्रेटर देन बन जाएगा माइनस PA ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 1 ओके स्टूडेंट यहां पर जो ये A है ये डिनोट कर रहा है इवेंट्स को लेकिन हमने सबसे पहले टू इवेंट्स लिए हैं A1 एंड A2 तो A की जगह पर हम यहां पुट करेंगे A1 यूनियन A2 ओके हम लिखेंगे एंड इन पर्टिकुलर माइनस PA1 यूनियन A2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 1 ओके स्टूडेंट अब हमने क्या करना है माइनस को रखेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे PA1 यूनियन A2 का जो ये फॉर्मूला है पहला ये सारा यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा देखें PA1
प्लस पी ए टू माइनस पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू। ओके, तो इसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया, यहां पर क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस वन। अब हमने क्या करना है, ये जो माइनस है इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, माइनस पी ए वन माइनस पी ए टू माइनस माइनस प्लस पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस वन। अब हम बाकी पोर्शन आगे करते हैं। नाउ स्टूडेंट हमारा ये बन गया, अब हमने क्या करना है इसको अरेंज करना है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू को रखेंगे और बाकी पी ए वन पी ए टू को, मतलब माइनस पी ए वन माइनस पी ए टू को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू एज इट इज रखेंगे इसको हम इन अ लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस पी ए वन को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो बन जाएगा प्लस पी ए वन। सिमिलरली पी माइनस पी ए टू को हम शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस पी ए टू और ये माइनस वन एज इट इज रहेगा। ओके स्टूडेंट, से इक्वेशन नंबर टू। नाउ स्टूडेंट हमने क्या लिखना है, द रिजल्ट, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू टू। ये हो गया हमारा स्टेप वन जितना भी था। अब हम आगे करेंगे स्टेप मान के, जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टेप नहीं माना तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, लेकिन जैसे आप चाहो तो स्टेप भी मान सकते हो। तो हम यहां पर हम लेट करेंगे, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r। अब हमने क्या करना है कि जो हमें कंडीशन गिवन है इन अ क्वेश्चन, जहां पर n है वहां पर हमने r पुट करके एक इक्वेशन बनानी है जहां जहां n है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा p इंटरसेक्शन r i इज इक्वल टू वन ए आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू समेशन आर आई इज इक्वल टू वन पी ए आई माइनस आर माइनस वन, से इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r प्लस वन। ओके, अब हमने क्या करना है कि जो कंडीशन में इन अ क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में जो कंडीशन है वहां पर हमने n की जगह पर r प्लस वन पुट करना है। तो ये हमारा क्या बनेगा, p इंटरसेक्शन आर प्लस वन आई इज इक्वल टू वन ए आई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं पी क्लोज ब्रैकेट इंटरसेक्शन आर आई इज इक्वल टू वन ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन। ओके, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ओके यहां इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, आर प्लस वन। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि यहां पर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, ये हमारा ए वन हो जाएगा और ये हमारा ए टू हो जाएगा। तो इस पे हमने अप्लाई करना है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या है, हम कहां से अप्लाई करेंगे, वो हम अप्लाई करेंगे बाय
दिस मेथड ए वन इंटरसेक्शन ए टू ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए वन प्लस पी ए टू माइनस वन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हमारा ए वन है तो पी इंटरसेक्शन आर आई इज इक्वल टू वन ए आई, उसके बाद पी ए टू है प्लस पी ए टू तो पी ए आर प्लस वन एंड एट लास्ट माइनस वन, ये हमारा हो गया। अब हमने इसको ओपन करना है, इसको हम ओपन करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री। तो इक्वेशन नंबर थ्री में ये सेम चीज़ है, हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, हम यहाँ लिखते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हमारा क्या बन जाएगा देखें समेशन आर आई इज इक्वल टू वन पी ए आई माइनस आर माइनस वन। ओके स्टूडेंट, और ये हम लिख लेंगे एज इट इज प्लस पी ए आर प्लस वन माइनस वन, इतना हो गया। अब हम करते हैं आगे। सो स्टूडेंट हमारा ये बन गया, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, कुछ इसमें रीअरेंजमेंट करनी है। तो अब हम इसको और इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा चलो देखते हैं। ये हमारा बन जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू समेशन आर प्लस वन आई इज इक्वल टू वन पी ए आई, आफ्टर एडिंग दिस एंड दिस इट बिकम्स समेशन आई इज इक्वल टू वन टू आर प्लस वन पी ए आई, और ये जो पोर्शन है आर माइनस वन और माइनस वन, मतलब माइनस आर माइनस वन और माइनस वन, इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस आर एंड प्लस वन, माइनस आर प्लस वन, और ये माइनस वन एज इट इज रखेंगे हम माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। बाकी हमारा क्या रह गया समेशन आई इज इक्वल टू वन टू आर प्लस वन पी ए आई माइनस आर। ओके स्टूडेंट, इतना हमारा रह गया और ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। अब बाय जो हमने प्रूफ किया था कि टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर आर एन इज इक्वल टू आर प्लस वन, वो हमारा प्रूव हो चुका है। तो यहां हम लिखते हैं हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू आर प्लस वन एंड बाय the mathematical induction the result is true for all n belongs to natural number। So that student हमने जो हमें क्वेश्चन में बोला जो हमारी कंडीशन थी वो हमें यहाँ लिख देनी है पी देयर फॉर पी एन आई इक्वल टू वन ए आई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू समेशन एन आई इक्वल टू वन पी ए आई माइनस एन माइनस वन। सो ये हमने प्रूव कर लिया है। ओके अब हमने करना है जो इसका सेकंड पार्ट है, अब हम वो करते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हमने सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया है सेम वहीं से स्टार्ट करना है। फॉर एनी टू इवेंट्स ए वन एंड ए टू देयर फॉर पी ए वन यूनियन ए टू इज इक्वल टू पी ए वन प्लस पी ए टू माइनस पी ए वन
intersection A2. P A1 intersection A2 is equal to P A1 plus P A2 minus P A1 union A2, say equation number 1. Now, by axiom 1 of probability, क्या होता है? P A greater than and equal to 0 and less than and equal to 1. तो हमने अब कौन सा पिक करना है? हमने ये वाला पोर्शन पिक करना है, 0 वाला, ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा? P A greater than and equal to 0. अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमने क्या प्रूव करना है? यूनियन. जब हमें इंटरसेक्शन प्रूव करना था, तो यहाँ पर हमने यूनियन लिया था. A की जगह पर जो हमने लिखा था A1 यूनियन A2, हमने इन अ फर्स्ट पार्ट. लेकिन अब हमने यूनियन प्रूव करना है, तो हमने क्या लेना है? इंटरसेक्शन. हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन P A1 इंटरसेक्शन A2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. अब हमने ये जो फॉर्मूला है इंटरसेक्शन का बाय इक्वेशन नंबर 1, ये हमने पुट कर देना है. तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ये हमारा बन जाएगा P A1 प्लस P A2 माइनस P A1 यूनियन A2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम इसको उस साइड भेज देंगे. तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा P A1 यूनियन A2 लेस देन एंड इक्वल टू P A1 प्लस P A2, से इक्वेशन नंबर 2. ओके, इतना हो गया. नाउ स्टूडेंट, हमारा इतना हो गया था. अब हम लिखेंगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2. नाउ स्टूडेंट, हमने करना है लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r, सो दैट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, और जहां जहां पर हमारा n है वहां पर हम r पुट कर देंगे. तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट? हमारा बन जाएगा दैट इज p यूनियन r i इज इक्वल टू 1 a i लेस देन एंड इक्वल टू समेशन r i इज इक्वल टू 1 p a i, से इक्वेशन नंबर 3. नाउ स्टूडेंट, हमने प्रूव करना है कि जो ये रिजल्ट है ये n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा. तो हम करते हैं टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1. ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां पर n है लेफ्ट हैंड साइड पिक करना है और n की जगह पर हमने r प्लस 1 पुट कर देना है. तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट? हमारा बन जाएगा दैट इज p यूनियन r प्लस 1 I इज इक्वल टू 1 a i. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू p यूनियन r i इज इक्वल टू 1 a i. यूनियन है तो यहां पर भी आएगा यूनियन a r प्लस 1. ओके स्टूडेंट, अब इसको हमने ओपन करना है और इसको हम ओपन करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2. तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ये हमारा बन जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू पी ए वन प्लस पी ए टू, क्योंकि यहां पर पी ए वन यूनियन ए टू है. तो यहां पर ए वन हमारा क्या है एक्चुअली इस केस में?
जो इतना पोर्शन है यूनियन के लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा A1 है और ये A2 है। ओके, तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा PA1 क्या होगा, PA1 तो हमारा PA1 होगा P यूनियन R I इज इक्वल टू 1 AI प्लस P AR प्लस 1। इतना हो गया स्टूडेंट हमारा। अब हमने इसको ओपन करना है और इसको हम ओपन कैसे करेंगे, By using equation number 3। ठीक है, देखो ये और ये सेम है और यहाँ पर भी लेस देन है, तो ये हमारा बन जाएगा लेस देन समेशन आर आई इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू थी इसकी, ये तो रहेगा एज इट इज पी ए आर प्लस 1। अब जो बाकी का पार्ट है हम आगे करते हैं। सो स्टूडेंट हमारा ये बन गया है। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो रहेगा एज इट इज पी यूनियन आर प्लस 1 आई इज इक्वल टू 1 ए आई। ओके, लेस देन एंड इक्वल टू, इसको और इसको हमने ऐड करना है तो ये हमारा बन जाएगा समेशन आर प्लस 1 I is equal to 1 P A I। अब हम लिखेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो चुका है 4n is equal to r plus 1, तो हमने अब लिखना है hence the result is true for n is equal to R प्लस 1। नाउ स्टूडेंट हमें लिखना है देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर पी यूनियन एन आई इज इक्वल टू 1 ए आई लेस देन एंड इक्वल टू समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 पी ए आई। ओके स्टूडेंट, और यही हमने एक्चुअली प्रूव करना था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।